जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, पौष अमावस्या, इस बार पौष अमावस्या 2 जनवरी को पड़ रही है। सर्वात सिद्धि योग है इस बार, बहुत ही उत्तम। कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए, कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए पौष अमावस्या को वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। पौष के महीने को छोटा पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसे में इस माह की अमावस्या का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके परिवार में पितृदोष लगा है, जिसकी वजह से आपको तमाम समस्याएं झेलनी पड़ रही है, तो पौष अमावस्या के दिन कुछ छोटे छोटे से उपाय करने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, ऐसा यदि आप किसी से पूछते हैं, विद्वान पंडित से, यदि वह बताते हैं कि आपके यहाँ पितृदोष है, तो आप यह उपाय कर ही सकते हैं। साथ ही यदि फिर भी आपने पूछा नहीं है, किसी विद्वान पंडित से नहीं जानकारी ली है, और फिर भी आपके यहाँ यदि कुछ परेशानी समस्याएं ज़्यादा चल रही है, आकस्मिक दुर्घटना, अचानक धन की हानि या कलह ज़्यादा होना, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आना, विवाह संबंधी कोई देर, यदि ऐसे कोई कार्य होते हैं, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके यहाँ पितृदोष है। और यदि पितृदोष है तो आप ये जो 2 जनवरी को पौष अमावस्या पड़ रही है, इस दिन छोटे छोटे कुछ उपाय करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगी। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं बहुत ही कारगर और अचूक उपाय बताने वाली हूँ इस वीडियो में। आप स्किप ना करें। आप अच्छा लगे आपको यह वीडियो तो लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें। यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ पितृदोष संबंधी कोई परेशानी है या ऐसी कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो आप उनसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के हिसाब से हर महीने के 30 दिन को चंद्र कलाओं के आधार पर 15-15 दिनों के 2 पक्षों में बांटा गया है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस्या होती है, जबकि शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा। हर माह की अमावस्या की तिथि जो होती है, पूर्वजों को समर्पित होती है। इन दिनों पौष का महीना चल रहा है। पौष का पूरा महीना, पूरा की पूरा महीना पूर्वजों को समर्पित माना गया है। इस कारण इस माह को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। ऐसे में पौष के महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का महत्व अन अमावस्या की तिथियों से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। पौष के महीने की अमावस्या तिथि 2 जनवरी 2022 दिन रविवार को पड़ने वाली है। इस बार अमावस्या की शुरुआत 7 बजकर 14 मिनट से शाम को 4 बजकर 23 मिनट तक सर्वात सिद्धि योग है इस अमावस्या पर। ऐसे में श्रद्धापूर्वक कोई भी यदि आप काम करते हैं, तो आपका कार्य पूरा सफल होगा, पूरी तरीके से। आप इस समय को नोट करके रखें और इसमें जो भी आप कार्य करना चाहते हैं अवश्य करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष हैं, कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं हो रही हैं और कोई अन्य ऐसी समस्या जिससे आपको ऐसा लगता है, या किसी पंडित ने बताया है, किसी विद्वान ने बताया है यदि आपको, तो आप कल का दिन आपके लिए बेस्ट है यह उपाय करने के लिए। आप कल जो अमावस्या तिथि है, इस कल के दिन आप एक लोटे में जल ले लें, इसमें लाल पुष्प और काले तिल डाल लें। इसके बाद आप अपने पितरों की शांति की प्रार्थना करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद पीपल को जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ पर सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाएं, कोई भी मिष्ठान हो सकता है। यदि आपको मिष्ठान नहीं मिल पाए, तो आप बताशे से भी भोग लगा सकते हैं और 108 परिक्रमा करें। आप परिक्रमा 108 जो करेंगे, उसका एक विशेष फल प्राप्त होगा आपको। इसके अलावा आप किसी ज़रूरतमंद को तिल के लड्डू
तिल का तेल, आंवला, कंबल, काला कंबल और वस्त्र आदि सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों की शांति के लिए आप गीता के सातवें अध्याय का पाठ करें। पितरों के निमित्त ये सभी कार्य आप सुबह 11:30 से दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं। हल आपको करना ही होगा। आप 11:30 से 2:30 बजे के बीच में किसी भी समय आप एक टाइम मान लें, उस टाइम पर आप कर लें, सोच लें कि इस टाइम पर मुझे ये करना है, कर लें आप। इससे आपके पितर तृप्त होंगे, उनकी नाराजगी समाप्त हो जाएगी। उन्हें मुक्ति मिलने से आपके परिवार में पितृदोष का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, साथ ही उनके आशीर्वाद से आपकी समस्याएं तो दूर होंगी ही, लेकिन आपको धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, सभी की प्राप्ति होगी। यदि आपके बच्चे कहीं गलत लाइन में जा रहे हैं तो वह भी वापस आने की आ जाएंगे। आप यदि आपके परिवार में आपस में बहुत ही तनातनी रहने लगी, तनाव रहने लगा है, कलह होने लगी है, गलत फहमियाँ बढ़ गई हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। संभव हो तो हर अमावस्या के दिन ऐसा करें। इससे आपके परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा। वैसे कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि अमावस्या के दिन यह दोष नहीं लगता। साथ ही यदि आप अपने साथ थोड़ा सा मीठा रख के ले जाते हैं तो यह दोष हट जाता है। इसलिए आप कल जो रविवार पड़ रहा है आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपको कैरियर की, आपके बच्चों को या आपको कैरियर की कोई परेशानी आ रही है, कैरियर में कोई परेशानी आ रही, बाधा आ रही है, सफलता नहीं मिल रही, मेहनत के बावजूद आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अमावस्या की रात्रि को 5 लाल पुष्प ले लें और 5 दिए जला लें, अपनी कामना बोलते हुए बहती नदी में प्रवाहित कर लें। आप इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपको कोई दिखे ना। इसके अलावा आप काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रात के समय रोटी खिलाएं। इससे आपकी समस्याएं कुछ ही समय में दूर होने लगेगी और धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे अमावस्या तिथि को रात्रि के समय बहती नदी में प्रवाहित करने कौन जाएगा? ऐसा नहीं है। आप यदि रात्रि को ये कार्य नहीं कर सके तो आप शाम से पहले 5 से 6 बजे तक भी कर सकते हैं। यदि आप नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ये बहुत ही अचूक उपाय है। आप इसको अवश्य एक बार ट्राई करके देखें, कोशिश करें इसको करने की। अमावस्या के दिन आप एक नींबू ले लें और घर के मंदिर में रखें। रात के समय नींबू को 7 बार, जो भी व्यक्ति को आपके यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी में प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार बार लें। इसके 4 टुकड़े करें। चौराहे पर जाकर, आपके नज़दीक जो भी चौराहा है आप उस पर जाकर इन टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे तमाम बाधाएं दूर होंगी और रोजगार मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। आप अवश्य ये कार्य करें, लेकिन इन कार्यों को करने में आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, विश्वास और श्रद्धा दोनों रखनी होगी। आप करें, करके आप अवश्य अपने जीवन को बहुत ही सरल और सुगम बनाएं। ओम नमः शिवाय।